करते हैं क्या टेस्ट है इसका, फिर मजा आएगा। इस रूम में भी कोई नहीं, ये भी रूम का लॉक लगा हुआ। बनना है तो ये नजारा चेक कर रहे हैं आप स्टेडियम का, वेरी वेरी ब्यूटीफुल है यहाँ से देखा जाए तो। ये आप देख रहे हैं यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है, रोजडाइन रेस्टोरेंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का भी लोग जो है स्टार्ट करते हैं जी डिनर से। अभी कभी ऑफिस से आया हूँ और आके पानी शानी पीने के बाद अभी डिनर करने लगा हूँ। आज जो डिनर में है बिरयानी है, ऊपर मजे मजे की गोटियां नजर आ रही हैं, साथ में ये बर्फी है मजे वाली, सालन है जी आलू मटर का, रायता है, और ये बनाए हुए हैं आज चिकन फ्राइज, केचप और मायोनीज वगैरह। और साथ में अभी जी खाना स्टार्ट करते हैं और खाना खाते हैं जी। सबसे पहले जो है मैं तो फ्राइज ट्राई करने लगा हूँ, फ्राइज ट्राई करूंगा अभी, खाता हूँ क्या मजा है, टेस्ट चेक करते हैं। ये जी अभी चेक करते हैं क्या टेस्ट है इसका, फिर मजा आएगा। बहुत टेस्टी है, मजा आ रहा है बिल्कुल खाने का माशाल्लाह से। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी जो है जनाब नमाज अदा की है, बाहर जाने लगा हूँ तो मामू जान जो वो तो भी वॉक करके आ गए हैं, तो भी उन्हीं के पास हूँ, फिर चलता हूँ बाहर भी। हाँ तो मैं टेंकी लू हो गया हूँ, हाँ के टेंकी लू हो गया है। हाँ जी है, मैं खाने की तस्वीर किसे लगी तस्वीर, इमरान खान दी तो पता ही नहीं। नहीं पता किसे लगी भला, दसवां तो ये लगी कितने तस्वीर इमरान खान दी हैं। और जिसे लकड़ा पंजान लकड़ा किसे पे है भला पता जी, सामने मामू जान तो वाक कर रहे हैं, भी मैं भी वाक करने के लिए जाने लगा। ये तो रम्मी जान जो है जी कुरान पाक पढ़ रही है माशाल्लाह से, कुरान जी की तिलावत भी हो रही है, कुरान पाक पढ़ा जा रहा है। मैं जा रहा हूँ बाहर अभी, माशाल्लाह मौसम प्यारा है, धूप भी निकल आई है, 6:30 हो चुके हैं तो अभी सूरज भी निकल आया है और ट्रेन भी आने वाली है, क्योंकि 6:30 का टाइम होता है ट्रेन के आने का भी। ये अगर आपको दिखाऊं तो बहुत धूप है, जो कि धूप भी पड़ रही है, बाकी लोग अपना वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी जगह बिजी हैं। ये लड़का पीछे देख रहे हैं, ये कार पे बिजी है बंदा, सुबह के टाइम क्या करे, फिर काम होते हैं ना बंदे को भाई, कार चल भी करना पड़ती है ना, समझा करो। ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई है, मुझे लगता है कि ट्रेन जो है अभी आ रही है, तो थोड़ा साइड पे होना चाहिए जी, करीब है कहीं ट्रेन, क्योंकि ट्रेन की जिस तरह से आवाज आ रही है मुझे लगता है कि बस ये ऊपर ही चढ़ने वाले जितनी करीब आ चुकी है, बिल्कुल करीब है ट्रेन। इसके जो डिब्बे हैं, डिब्बे में काउंट करता हूँ, डिब्बे हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आवाज कहाँ आपको आ रही होगी, और यार टूट के टमिटी है, गुजर गई है अभी ट्रेन भी, 6:30 का टाइम ट्रेन के आने का। ये सिग्नल देखें, डाउन वॉव है, डाउन ये सिग्नल डाउन है, फाटक भी आगे नजर आ रहा है फाटक आपको, ये बंद हो गया था पहले तो फिर ट्रेन गुजरी है, फिर उन्होंने जनाब ओपन कर दी है। सुबह का टाइम है, सभी लोग अपने ऑफिस में, कुछ कॉलेज में, स्कूल में जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ अपने काम की तरफ ही। इस टाइम रोड तो सुनसान है, अभी कुछ देर तक ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगी जब 7:30 का टाइम हो जाएगा, तो इस रास्ते जाता हूँ, वो जो रास्ता है ना दूसरा हमारा, ये रास्ता बहुत लंबा है अड्डे तक का रास्ता है, ये रास्ता जरा आसान है, इस तरह चलता हूँ। हमारे एरिया का ये जो रेस्टोरेंट नजर आ रहा है आपको, ये भी काफी अच्छा है, रोज डाइन रेस्टोरेंट, वैसे भी ये एक ब्रांड का नाम है, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे जो मुख्तलिफ सिटीज़ हैं वहाँ पे ये ओपनिंग इसकी हुई हुई है ऑलरेडी, समड़ियाल सियालकोट माशाल्लाह से, वेरी वेरी ब्यूटीफुल है यहाँ से देखा जाए तो।
ये आप देख रहे हैं यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है। रोज डाइन रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट है। किस दिन आएंगे यहाँ भी कुछ खाने पीने के लिए या डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए? अच्छा है जी, ऊपर से भी अच्छा है, जबरदस्त है रेस्टोरेंट की जो है, आने के लिए बैठने के लिए जगह अच्छी है। अपनी जो सब्ज़ी मंडी है उसकी तरफ जा रहा हूँ। चुंडा की पहले ग्राउंड हुआ करती थी, अभी इसको इन लोगों ने स्टेडियम बना दिया हुआ है काफी सालों से, लेकिन तैयारी अभी जारी है। अभी इसकी सही तरह से तैयारी नहीं हो सकी। अंदर से जो आपको नज़ारा करवाता हूँ, पहले ये ग्राउंड थी जहाँ पे क्रिकेट वगैरह हुआ करती थी, क्रिकेट मैच होते थे। अभी देख रहे हैं आप ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम बनना है। तो ये नज़ारा चेक कर रहे हैं आप स्टेडियम का, दूर तक दिखाऊं तो आपको यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज्यादा जो है पानी देखने को मिलेगा, अच्छे नज़ारे आएंगे। अभी मैं ऊपर चढ़ाऊं, ये पहले ग्राउंड हुआ करती थी, यहाँ हम क्रिकेट खेलने आते थे, यहाँ लोग क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल क्रिकेट के मैच और टूर्नामेंट होते थे। अभी आपको इसकी सूरत हाल दिखाऊं तो ये हो चुकी है जब से ये स्टेडियम का दर्जा मिला है इसको, क्योंकि यहाँ स्टेडियम बनने तक आगे यहाँ सही तरह से जो है ना लोग खेल सकें। बट 5-6 सालों से अभी स्टेडियम की तमीर आपके सामने और ये जारी है। दूर दूर तक ये दरिया समुंदर का नज़ारा पेश करता है। इसके लिए 4 दीवारी तो हुई हुई है, लेकिन बा मुश्किल है कि यहाँ पे पाँव भी नहीं बंदा रख सकता, खेलना तो बहुत दूर की बात है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से जो स्टेडियम की सूरत हाल है यहाँ पे, वो क्या हुई पड़ी है। ये है जी सूरत हाल स्टेडियम की। उस साइड पे जाता हूँ, अभी इसकी दूसरी साइड जो है वो चेक करवा। सूरज पड़ रहा है यार आंखों में अभी। ये है जी आपके सामने ताला लगा हुआ है और ये भी रूम बिल्कुल लॉक है, कोई भी नहीं इधर। इस रूम में भी कोई नहीं, ये भी रूम का लॉक लगा हुआ है और इधर कोई भी नहीं रहता। ड्रोन मंजर पेश किए जा रहे हैं, ड्रोना है। और यहाँ पे नीचे उतरना इम्पॉसिबल। मुझे तो देख के ऐसे लग रहा है कि खंडर बना हुआ है और यहाँ पे कोई भी कभी भी नहीं आया। सदियां गुजर गई हैं, सदियां गुजर गई हैं, सिर्फ ऐसे कोई मुश्किल से आया है यहाँ पे। मैं चलता हूँ वापसी की तरफ, अपने घर की तरफ। थोड़ा इस तरह का है, देख लेना भाई, देख लेना भाई। निकलते हैं हम वापसी की तरफ। स्टेडियम विजिट करवाया आपको चुंडा का, कितना अच्छा लगा स्टेडियम आपको? वाप लगने वाला मेला बहुत जल्द, मेले की वजह से यहाँ पे शॉप्स लग गई हैं, क्योंकि मेला भी अभी स्टार्ट होने वाला है 6 सितंबर को, बहुत जल्दी मेला लगने वाला है हमारे एरिया में। मेले की शॉप्स रेडी हो गई हैं, शॉप्स लग रही हैं, मेला बहुत जल्दी लगने वाला है। मेला लगेगा फिर फन करेंगे, मजे करेंगे। मंडी है चुंडा की, स्टार्ट हो जाती है। और अभी इस साइड पे नईम इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक साहब दूर क्या देते हैं जो साहब, की हाल है ठीक हो? गली में आ गई हूँ, अपने मोहल्ले में हूँ, घर जा रहा हूँ फिलहाल। वाक तो हो गई है काफी सारी, तकरीबन 7 का टाइम हो गया है अभी। आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।